हम लोगों को गेस्ट की तरह नहीं बल्कि होस्ट की तरह बिहेव करना है। G4 गेस्ट बनकर सोसाइटी का हर फंक्शन मैंने अटेंड किया है, लेकिन आज पहली बार होस्ट बनने का मौका मिला है मुझे। जी भर के मेहमान नवाजी करूंगी मैं। हमें मेहमान नवाजी की जरूरत नहीं है, आशा किस किस का ध्यान रखेगी, है ना? हम अपना ध्यान खुद रखेंगे। इनफैक्ट आशा की जिम्मेदारियां हम मिलकर बांटेंगे। अपनी हर जिम्मेदारी को मैं खुद निभाऊंगी, किसी को भी बांटने नहीं दूंगी। क्या बात है आशा, अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन भागकर जिम्मेदारियां संभालने वाली पहली बार देख रहा हूँ। तू चिंता मत कर आशा, तेरा घर तेरी पार्टी तेरे रूल्स। बस ये समझ लीजिए, हमारा घर हमारी पार्टी। हाँ ओके ओके, चलिए लेट्स हैव फन। चल 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 चल। अरे गुनगुन किधर है? गुनगुन किधर है? सखी लेकर आ गई, जाने देख पा रही थी। अरे लेकिन क्या, किधर आ गई वो? आशा क्या हुआ दिलीप? अरे कितना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आए ये लोग, कहाँ है? हाँ रे दिलीप, अभी तक नहीं आए। एक काम करती हूँ ना, वंदना मैनी को फोन करके पूछती हूँ कहाँ तक आ गए वो लोग, है ना? फोन ही करती हूँ। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, हम आ गए आशा। आप सबका W4 वेलकम। वेलकम तो ठीक है, पर आज की स्टार हमारी टॉपर कोमल का है। अरे क्या बताऊं, वही नहीं है अंदर, पता नहीं कब से क्या पाठांतर कर रही है, आती नहीं है बाहर। आप आइए आइए आइए। हर्षित भाई दक्कू भाई, आप दोनों भी मेरे गरीब की झोपड़ी में आ गए, आपको टिप और थैंक यू, है ना दिलीप? अरे क्या बोल रही आशा, अरे तेरे घर पे पहले भी आ चुके हम लोग आशा। सॉरी सॉरी, आशा नहीं, टॉपर की मम्मी। टॉपर की मम्मी। वैसे भी आशा, दावत के लिए तो हम कहीं भी आ सकते हैं। सबको पता है कि तू भुक्कड़ है, पहले से बोलने की जरूरत नहीं है। अरे पंडित मुंगो मर। अरे पापा, हर्षद भाई। अरे लेकिन बस बस बस, रुके रुके रुके, आप अंदर आइए। आशा सबके लिए शरबत लेके आइए। ब्रो हम सब ने काम करते, हम सब बाहर ही सेटल हो जाते, मस्त खुले में बैठेंगे। इधर खुले में? हाँ हाँ, यही बाहर ही बैठते हैं ना, मजा आएगा। इधर बैठेंगे। हाँ ये चूल कर लो यहाँ क्या। हाँ ये विद्युत विद्युत विद्युत। अरे इतने सारे नंबर भी तो तुम ही लाई हो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगी, तो मैं घर से कुछ खाने का सामान लेकर आई। वही नहीं, इतना सारा खाना बना के लेकर आने की क्या जरूरत थी आपको? जरूरत थी क्योंकि ये सब हमारी कोमल की फेवरेट डिशेज हैं। पिज्जा पास्ता नूडल्स पसंद है ना? हाँ बहुत पसंद है, पास्ता पिज्जा नूडल्स, आज तो मजा ही आ जाएगा। सिर्फ विदेशी खाना नहीं है, कुछ देसी भी लाई हूँ, घेवर लाई हूँ तेरे लिए, तुझे बहुत पसंद है ना? और आशा दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी भी बनाकर लाई है। yes. अर्शद दीजिए। आई बाबा, सुना आपने? हाँ बेटा सुना। खाना बनाकर लेके आने के लिए क्यों बोला? क्या बोल रही तू? मैं क्यों बोलूं कि उनको खाना बनाकर लेके आने के लिए? वंदना मैंने बोल रही थी कि तुम्हारा हाथ बटाऊंगी, अब मुझे लगा वो खाना परोसने में मेरा हाथ बटाएगी, मुझे क्या पता था वो लोग खाना बनाकर लेके आएंगे। अरे ये क्या बात हुई, खाना लाने की क्या जरूरत थी? दिलीप शांत हो जा, चिल्ला क्यों रहा है? देख ये ना सोसाइटी वालों को प्यार है और कुछ नहीं, हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं किया है उन्होंने। मैं जानता हूँ आशा, लेकिन अगर हमने उनको डिनर पे बुलाया है तो क्या हम उन्हें खाना नहीं खिला सकते क्या? दिलीप तू इस तरह से क्यों सोच रहे, खिला सकते क्यों नहीं खिला सकते? तू ये सोचना, जैसे 3-4 घंटे मेहनत करके मैंने खाना बनाया है, ठीक उसी तरह 3-4 घंटे मेहनत करके वंदना भाई ने ज्योति भाभी ने भी खाना बनाया होगा ना,
है ना, इसके लिए, हमारे कोमल के लिए ना, उसकी खुशी के लिए ना, तो ये सोचो। ये सब बात ठीक है, लेकिन आशा। आई पापा। ये देखो ज्योति आंटी मेरे लिए कितना सुंदर प्रिंसेस गाउन लाई है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। बाबा आपने जो ड्रेस लाई है मैं उसे बदल कर ये पहन लूं। But he is ready to buy the world for me. So thank you, Baba. और मैं आप सबको thank you कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे success के पीछे आप सबके आशीर्वाद का बहुत बड़ा हाथ है. So thank you everyone. Thank you so much. वाह बेटा, वाह. ये वीडियो मैं डैडी और दादी को भेजता हूँ। So today, everyone is calling me a topper girl. Topper, this word gives a feeling of pride, achievement and success. But I genuinely feel that success and achievement is always a teamwork. मैं आप सबको thank you कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे success के पीछे आप सबके आशीर्वाद का बहुत बड़ा हाथ है. So thank you everyone. Thank you so much. क्या बात है, दिल जीत लिया इस लड़की ने सचमुच. इसे कहते हैं कोयले की खान में हीरा मिलना. बिल्कुल सही कहा काकू आपने. ना देखो ना, ना कोई सुविधा, ना सहूलियत, ना एसी, और बाकी बच्चों की तरह इसने ट्यूशन क्लासेस भी नहीं लगाए. और इसे कहाँ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स मिलते होंगे. फिर भी बच्ची ने 96% मार्क्स लाए हैं. कोमल ने ये साबित कर दिखाया कि अगर इंसान में लगन और जज्बा हो ना, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है. इसकी तारीफ जितनी की जाए ना, कमी है. लेकिन मेरी नजर में ना, ये कोमल की तरक्की जो है ना, ये आशा की तपस्या का नतीजा है. हाँ। ये लड़की ना बहुत आगे जाएगी. मतलब जिस संघर्ष से माँ बाप ने उसे इतना काबिल बनाया है ना, देखना कोमल भी ना संघर्ष करके ना माँ बाप की परवरिश को जाया नहीं होने देगी. अरे उन्हें इतना सुख देगी ना, इतना सुख देगी, देखना तो. आशा तो कोमल की परवरिश में कामयाब हो गई, लेकिन मैं मंगेश की परवरिश में फेल हो गई ना काकू. विद्या, भगवान ने अभी मुझे दूसरा मौका दिया तो है, पर मैं इस बार भी कहीं फेल ना हो जाऊं. क्यों ऐसा बोल रही है, क्यों फेल हो जाएगी तू? हाँ, तू नहीं फेल हुई है. अरे मंगेश भटक गया है, लेकिन बिगड़ा हुआ नहीं है. और देखना रही बात छोटे वागले की, जो आने वाला है, तेरी परवरिश से जूनियर वागले होनहार और कामयाब बनेगा. भगवान करे ऐसा ही. अरे ऐसा ही होगा. आज का जो टारगेट था वो कंप्लीट कर दिया. यस ग्रेट, आई नो. हां वेल डन टीम. सारा काम खत्म करने के लिए और देर तक रुकी. थैंक यू मैम. थैंक यू मिस्टर वागले. आई नो आज अनएक्सपेक्टेड ओवरटाइम की वजह से आपका कोई फैमिली प्लान डिस्टर्ब हुआ. नहीं नहीं, नॉट एन इशू. आई मीन ड्यूटी कम्स फर्स्ट. थैंक यू मिस्टर वागले. गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट मैम. गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट. मैं उनको गाड़ी तक छोड़ जा, जाओ जाओ. हाँ बंधु से बात करता हूँ. हाँ दो मिनट देना. आ बंधु अब फ्री हुए हो तुम? ठीक है मैं
बाद में डांटना, पहले बताओ आशा के घर हो या सब लोग निकल गए वहां से? आधे घंटे पहले ही निकल गए थे हम, इनफैक्ट आधे रास्ते पहुंच भी चुके हैं। अच्छा, मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं पहुंच नहीं पाया। मैं ये सोच रहा हूँ। सही सोच रहे हो। क्या? 10 मिनट के लिए सही, पर आशा के घर जरूर जाना चाहिए तुम्हें। लव यू। मुझे तो मुझसे ज्यादा पहचानती। ऑलराइट, बाय बाय बाय, मैं जाकर आ जाऊं। चलो बाय। हाँ, लेकिन आशा, जरूरत क्या थी साई दर्शन वालों को खाना लेकर आने की यहाँ पर? दिलीप, वो लोग खाना लेकर आए थे अपना प्यार दिखाने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं। मैं जानता हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों में से किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि आशा ने दावत दी है तो आशा ने खाना भी बनाया होगा ना। अब तूने इतना सारा खाना बनाया है, किसने झांक कर देखा, छू के देखा, खा के देखा, नहीं ना? चल ना, जो हो गया सो हो गया। मुझे तो बस इस बात का टेंशन हो रहा है दिलीप, इतना सारा खाना बचा है उसका हम क्या करेंगे? हमारी किस्मत ही ऐसी, बचा हुआ खाना खाना ही हमारे किस्मत में लिखा है। लेकिन तू है कि हमारी किस्मत बदलने चली थी, सबको ताजा खाना खिलाना चाहती थी ना। अब ये रोना धोना बंद कर, तू खून खोलता है मेरा तेरे को रोते हुए देखता हूँ तो बंद कर। शांत हो जा दिलीप, कितना चिल्ला रहा है तू, कोमल सोई है ना? देख, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, अंधा भी ना सूखी रोटी को नहीं हलवा पूरी को चुनता है। है ना, हलवा पूरी खाना है तो अपने घर पे खाओ ना, यहाँ पे क्यों आए फिर? देख अब ना, ये सब तू बातें बोल रहे ना, यम फॉर ईगो में आके बोल रहा। नहीं नहीं आशा, मैं ईगो में आके बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना भी कुछ होता है ना। अगर मान ले मैंने किसी को दावत पे अपने घर पे बुलाया, उसने खाने का एक निवाला भी नहीं खाया, तो मेरा और खाने का दोनों का अपमान है कि नहीं? पता है कि नहीं, है ना? ओ, तो ये बात है। सोसाइटी वालों ने अपने एक्साइटमेंट में आशा और दिलीप के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।